मेरा बाप भी खड़ा हो जाए ना इलेक्शन में, वोट नहीं डालूंगा अपने बाप को भी, सगे बाप को पहले बता रहा हूँ। पहला वोट खान का और आखिरी वोट भी खान का। सारे लोटे हैं, मुल्क को लूटना चाहते हैं, गद्दार है। आज लकी कसम टीवी चलाता हूँ, ये लोटे जब नून लीग में थे, फिर पीटीआई में, फिर नून लीग में, थूक के चाटने वाले लोग है, कसम ले लो थूक के चाटने वाले लोग है। तीन कोर में रक्षे वालों कसम उठा के कहता हूँ, पिछले साल में इसी रक्षे में 300-400 की गैस डलवा के काम करता था, आज मैं 1000 रुपए की डलवा रहा हूँ। क्यों भाई, मेरी जेब से 600 जा रहे हैं, इनके इनके बच्चे पल रहे हैं, इसका बच्चा नवाज शरीफ का बच्चा है, सरदारी का रक्षा चलाता है क्या? हम गरीब चलाते हैं, अपने बच्चों को जूतियां तक भी नहीं ले सकते, दूध खाली से पिला सकते, और ये मुल्क को लूटी जा रहे हैं, लूटी जा रहे हैं। सारे फौंडरिया भी इनकी, बाहर मुल्क में भी ये बैठे हैं, और ये पाके। मैं पटवारियों को भी कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग का ताला खोलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, है पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान कबीर अली, हाजिर खिदमत है। पटवारी एक पकड़ लिया है जी, ये साहिब ने बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से लेके आए भाई जी? मैं हूँ आतिफ रिक्शे वाला, ये भाई भी रिक्शे वाले हैं, ये शाल में चलाते हैं हमदा शहबाज के हलके में, ये पटवारी है। आज मेरे को पकड़ के लाया हूँ, मैं इनको दिखाने लाया हूँ कि जबान पार्क में इमरान खान कोई बिरयानी नहीं बांट रहा या कीमे वाले नान नहीं बांट रहा। इन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं है, तो मैंने कहा आ जाओ आप चल के देख लो भाई। सर किसके सपोर्टर हैं? मैं नून लीग का ही था, लेकिन वजह क्या? वजह बताइए। वजह बहुत है, मैं यहाँ पे बताऊंगा, मेरे ख्याल है कि टाइम पूरा हो जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, इतनी को वजह है कि बता ही नहीं सकते। ये बस इनका दादा परदादा चल रहा है, हमारे बड़े जो थे ना वो इसी को सपोर्ट कर रहे थे, बस यही वजह है। ठीक है, मुल्क तबाह हो जाए कोई, हाँ और कोई वजह नहीं थी, लेकिन आज ये भाई लेकर आए। मैंने देखा निजाम, यहाँ लोगों को दो चार लोगों से बात हुई है मेरी, उनके बयान सुन के जी भी लगा कि यार ये लोग कुछ भी नहीं चाह रहे, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क। सर आपने कहा मेरे, मुझे इतनी वजह पता है कि बहुत टाइम नहीं आपके पास, ठीक है, तो वो चंद एक वजह हम जानना चाह रहे हैं ना। सर वजह आप ये देखें, अल्लाह माफ करे, इतने मसले मसाइल हुए हैं इनकी हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, ठीक है, डाउट था मुझे लेकिन आज वो क्लियर हो गया। इस वजह क्लियर हो गया भाई, यहाँ पर आया हूँ, लोगों के बयान सुने, देखा है कई लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं यार, मैं तो ये देख के रहा हूँ। सर आपने तो कहा ये नून लीग के सपोर्टर हो, कह रहे भाई जान आप ये पटवारी था, मैं था, वोटर भी था, ये पटवारी था, मैं पकड़ के लाया हूँ, ये मेरे साथ रिक्शा चलाते हैं, यकीन नहीं करते, शालवी में खड़े होते, अब लाया हूँ, इनको यकीन हो गया, ये छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, दहशत गर्द है क्या ये भाई? बम ड्राइवर बम बनाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें रख के बता रहे हैं। आज जब आयन की बात हो रही है तो ये नवाज शरीफ कह रहे हैं कि डॉलर 500 पे चला जाएगा, ठीक है, रिक्शा ड्राइवर हो कोई अमीर करोड़पति नहीं हो, इनके डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, गरीब आवाम 1800 रुपए का घाटा बनता है टोटल इनका, कुल मिला लो तो, उसके पीछे इन्होंने 13 लाशें ली और लोगों को जलील किया हुआ है, 20 से ज्यादा लोग मर गए हैं, और हमें 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 इन्होंने भिखारी बना के रखा हुआ है। आज यहाँ इनकी बात करते हैं, बिलावल भुट्टो, मेरे नाना ने कुर्बानी दी, मेरी माँ ने कुर्बानी, वो किधर है जमहूरियत की जा? आज ये कहते फुल कोर्ट बनाओ, तो जब इमरान खान को किया गया था तब फुल कोर्ट कोई नहीं बना था, आज इनको 3 जज पे तो पार नहीं है, कभी किसी पे तो पार नहीं है, ये सब लोटे हैं, ठीक है, सारे लोटे हैं, मुल्क को लूटना चाहते हैं, गद्दार है। आज अल्लाह की कसम टीवी चलाता हूँ, ये लोटे जब नून लीग में थे, फिर पीटीआई में, फिर नून लीग में, थूक के चाटने वाले लोग है, कसम ले लो थूक के चाटने वाले लोग है, इनको लोग वोट देंगे तो सारे भिखारी है, मैं भी भिखारी बना के रखा हुआ है, गरीब आवाम है, 40-30-40 हजार महीना कमाते हैं, वो भी हम अपने बच्चों को पूरा नहीं कर सकते, और इनकी अयाशी देखो, मरियम नवाज को कसूर गई है तो 30-40 का गाड़ियों का लश्कर लेके गई है, इनका देखो तो 85 का लश्कर बना हुआ है, लाओ लश्कर, जैसे ये टीपू सुल्तान है, पता नहीं क्या है, मुल्क को लूट के खा के कंगाल कर गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, बस इमरान खान पे उम्मीद है, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बेहतर करें, हम पाकिस्तान के साथ है भाई। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर खिलाफ फैसला आता है हमारे तो जो डॉलर है वो 500 पर चला जाएगा, जो डॉलर है बड़े इनके, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ ना, इन्होंने आज तक मुल्क के लिए किया क्या है? 75 सालों में है और इनकी इतनी दफा हुकूमत रही है, को मुल्क के लिए अच्छा करते, 80% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है नहीं आपकी, आप दाल इम्पोर्ट कर रहे हैं, चीन इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो भाई आपका बाहर जा क्या रहा है? हाँ यहाँ से डॉलर चोरी होकर बाहर जा रहा है, हाँ कुछ नहीं, ठीक है, गरीबों को लूट लूट के खा गए हैं, कोई सड़कों का निजाम देख लो, इससे बात शरीफ कहता लाहौर को पेरिस बना दूंगा, और मेरे हल्के के खाने का वहाँ चले इतना इतना पानी भरा हुआ मेरे हल्के का, अब जब वोट लेने हैं तो वहाँ आटा बांटना शुरू कर दिया, एक दो छोटी छोटी गलियां बनवा रहे हैं ताकि मुझे वोट मिल जाए, मैं मेरे हल्के का एम एन ए सुभाष शरीफ में बता रहा हूँ, सारी गलियों का जाके हाल देखो, खाने में भिखारी बना के रखा, अभी भी जो पटवारी है वो कहते नहीं जी नहीं नवाज शरीफ
मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर आ जाएं, आपने बताया कि मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिली है यहाँ से, तो इस बार वोट किसका? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान इंशाल्लाह। उसकी सबसे जो खास वजह एक ये वजह यही है, देखें मेरा नहीं ख्याल कि इनके पीछे कुछ जजीरे इन्होंने रखे हुए हैं, इन्होंने इंग्लैंड में अपने कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए हुए हैं, इनकी औलाद कोई बहुत करोड़पति है, कुछ नहीं है। पहले आप बेखबर थे ये सारी? पहले कुछ नहीं पता था मुझे, आज आके यहाँ पता लगा। आपकी इतनी एज हो चुकी है तो आपको आज तक यही पता चला? जो बड़ों ने कह दिया वो कर लिया, लेकिन आज निकलो इस भाई की वजह से। बड़े कहेंगे आज भी ना पता लगता। अच्छा, बड़े कहेंगे कुएं में छलांग लगा दें। देखे अब ऐसा तो कोई भी नहीं करता, बाकी ये कि मेरे से देर जरूर हुई है कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा, पहले क्यों नहीं जाना, लेकिन अब वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, वो आज पता लग गया। क्या जो पटवारी है स्पेशली उनको ये क्या मैसेज? यही मैसेज है कि बस छोड़ दें जो पिछला था, नए की तरफ जाएं, इस मुल्क को बचाएं, क्योंकि ये मुल्क बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और सिर्फ इसका जो दारोमदार है वो सिर्फ इमरान खान। सर मुझे यहाँ पर बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जब हुकूमत थी तो तब तो हालात बड़े ठीक थे, महंगाई भी नहीं थी। ये इन्होंने क्या था, सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ था, कर्जा उठाते थे बैंक से, हर चीज को इन्होंने करके रखा था, आज डैम बनाते, पानी सस्ता मिलता किसानों को, बिजली सस्ती बनती, वो इम्पोर्टेड व्हील पे तुम कोयले से बिजली बना रहे हो तो महंगी बिजली दे रहे हो, ठीक है। आज ये कहते कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी नहीं, इसके बच्चे क्या, और ये 22 करोड़ अवाम इसके बच्चे नहीं, उन दो बच्चों के साथ बैठा दफा करता उनको, ये दो दफा मुझे 22 करोड़ अवाम मुझे अजीज है, परनाना बन गया, और कहते जी इमरान खान ने 20 भैंसे बेची है, वो परनाना बन गया है, 20 भैंसों का तू खालिस दूध दे, हम अपने बच्चों का पाउडर का दूध पिलाए, क्यों भाई तू साला लगता है मुल्क का है। बात करते आज ये मुझे मिले उस दिन पटवारी शालमी में, ये बाबा जी का मैंने पकड़ लिया, कह रहे जिस बंदे ने बड़ा लूटा है मुल्क को, मैंने कहा बता इसका कोई पान का खोखा ही बता मुझे तू, सीधे पास मुंह करके, और नहीं नहीं लूटा है, मैं कहा मैं तुझे शहादत देता हूँ गंजों की जमीन कहाँ कहाँ पर है, मैंने कहा जेठे बूटे में हमजा की मिले है, शेख उबर में इसकी शुगर मिले है, इत्तेफाक फाउंड्री इनकी है, बाहर लंदन में छुप के बैठे है, ओए हमारा लीडर तो गोलियां खा के भी धर्म पूरे लाहौर में बैठा हुआ है यार, कोई डिफेंस कोई डीएचए में नहीं बैठा हुआ, कोई बैरिया में नहीं, वो धर्म पूरे बैठा हुआ है यार, आई लव खान, खान से मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों का, मेरा बाप भी खड़ा हो जाए ना इलेक्शन में वोट नहीं डालूंगा अपने बाप को भी, सगे बाप को पहले बता रहा हूँ, पहला वोट खान का और आखिरी वोट भी खान का, और किसी के लिए नहीं है, अल्लाह की कसम 2016 में मैं खान से खिलाफ था, मैं कहा यार ये क्या बंदा है, एक दिन मैंने इसका स्पीच सुना, मैं कहा देखो तो सही बात क्या करता है, यकीन करो तो उसने तो हक और सच की बात की है, ये आप देखें मुल्क को ये लूट लूट के गंजे खा गए हैं। अच्छा अच्छा मजे की बात सुने, 22 करोड़ अवाम में कोई वजीर खजाना नहीं मिला अपने समली के अलावा, वाह वाह वाह, इनकी इनकी देखे जमहूरियत की बात देखे आप, इनकी समली में भी खुद बैठे हैं सब जगह वजीर, अदलिया को धमकियां लगाई जा रही है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जज से कह रहे हैं जी 2017 में इन्होंने ही मुझे निकाला था। अच्छा इन्होंने पनामा का जो केस है वो कौन सा को भी कहना चाहता हूँ अपने दिमाग का ताला खोलो, अभी भी मुझसे बहस करते हैं ना।